नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, आप देख रहे हैं K2S न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गंगापुर सिटी जयपुर बाईपास स्थित सीपी हॉस्पिटल, जिसमें सिपिका वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान से सिपिका सुरक्षा चक्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 15 तारीख से 21 तारीख तक निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क ऑपरेशन, निःशुल्क थेरेपी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया व सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया। सीपी हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर क्षितिज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए सिपिका सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी अंतिम तिथि 21 मई है। उन्होंने सभी से सुरक्षा चक्र का लाभ लेने की अपील की। इस मौके पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज उपाध्याय से भी बच्चों के संदर्भ में चर्चा की गई व दंत चिकित्सा के बारे में जानकारी मिली। वैसे हम आपको बता दें कि सीपी हॉस्पिटल में सभी बीमारियों के इलाज एक ही छत के नीचे स्थित है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। साथियों, पारिवारिक दिवस 15 मई से ये सीपिका सुरक्षा चक्र चलाया गया था, जिसके तहत विभिन्न गंभीर बीमारियां का निःशुल्क परामर्श, फिजियोथेरेपी 50% रियायती दरों पर एवं सर्जरी भी रियायती दरों पर की गई थी। जो सर्जरी चिरंजीव आर्जिस के थ्रू आती है वो निःशुल्क एवं अन्य कैश सर्जरियां भी मिनिमम दरों पर की गई थी, जो कि 21 मई तक, कल अंतिम दिन है। जो भी नया पेशेंट इसमें अपनी एंट्री कराता है उसका लाभ कैंप का पूरी तरह से दिया जाएगा, तो अधिक से अधिक आप इस कैंप का फायदा लें। और कल सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक हॉस्पिटल में आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। धन्यवाद। देखिए, गर्मी का सीज़न चालू हो भी गया है, चालू तो बहुत पहले हो गया था, पर पहले गर्मी इतनी थी नहीं। अभी पिछले 10-15 दिनों से गर्मी में एकदम से बढ़ोतरी हुई, टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इसमें बच्चों को हीट स्ट्रोक, ताप घात, लू लगना, दस्त, उल्टी, ये समस्याएँ रहती हैं। इनसे बचने के लिए हमें बच्चों को एक तो बाहर तेज़ धूप के टाइम पे, जो 11-10 बजे के बाद से लेके शाम को 4-5 बजे तक रहता है, उस समय कम से कम हो सके संभव हो घर पे रखने का प्रयास करें। अगर बहुत ज़्यादा जा रहा कहीं ज़रूरी भी हो तो बच्चों को सिर पे कपड़ा रख के लेके जाएं, मास्क लगा के लेके जाएं, पानी की बोतल साथ में रखें, बच्चों को पानी पिलाते रहें बार बार। जितना ज़्यादा पानी पिलाते रहेंगे तो लू की समस्या, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, इनकी समस्या कम होगी। उसमें क्या है कि जैसे कि इम्प्लांट का कार्य होता है, जैसे दांत नहीं है तो इम्प्लांट भी लगाए जाते हैं, जबाड़े भी बनाए जाते हैं, आरसी की रूट कैनाल भी की जाती है, स्केलिंग भी की जाती है, ब्लीचिंग भी की जाती है। लगभग दांत का सीपी हॉस्पिटल में इतना अच्छा चैम्बर है जितनी तारीफ करो। बड़े जो डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर धनंजय अग्रवाल जी और भी हमारे जो सीनियर हैं जयपुर से आते हैं, वो अपनी विजिटें देते हैं। आज इसमें लगभग हम 2 साल से हमारा कार्य कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स रहा इसमें। डेंटल का जो सीपी हॉस्पिटल ने जो डेंटल विभाग में जो दिए एक नई सौगात, उसके लिए हम भी आभारी हैं और लोगों को इसका लाभ मिला। सीपी हॉस्पिटल सवाई माधोपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल, जिसमें है सभी अंगों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम। अपॉइंटमेंट के लिए आज ही कॉल करें 8239876900।